हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 वेक्टर। वेक्टर में आज हम वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं बेटा इसमें होता क्या है। तो इसके लिए करोगे क्या, राइट डाउन कर लो पहले डिफिनीशन। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल टू, आपका ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये आपका साइन थीटा, और ये आपका इंटू एन कैप हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर और का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक, तो देखो यहाँ इसमें है क्या कि ए क्रॉस बी में मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ये क्या हो गया आपका एन कैप। तो देखो यहाँ तक की जो बात होती है ना, ये आपका क्या है, देखो मॉड ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड, मॉड बी भी आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और साइन थीटा भी बात किसकी करेगा, रियल नंबर आएंगे। तो यहाँ तक की पूरी जो बात होगी सिर्फ ये मैग्नीट्यूड, ठीक है मैग्नीट्यूड, और ये आपका क्या है यूनिट वेक्टर है, तो ये डायरेक्शन, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। और वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो मिलके आपका क्या बना देते हैं, ये बन जाता है आपका वेक्टर। ठीक, या मैग्नीट्यूड इनटू, इसको हम वेक्टर भी बोलते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है वेक्टर। ओके, अब इसको समझने के लिए हम करेंगे क्या, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये देखो, सपोज हमने एक ये वेक्टर लिया, वेक्टर ये ले लो ए, ठीक ये क्या ले लिया हम वेक्टर ए, और अनदर वेक्टर हम क्या ले लिए, ये ले लिए वेक्टर बी। ठीक, तो देखो एन कैप जो होता है ना, अब ये एंगल का डायरेक्शन ऐसे लेंगे, ठीक है एंगल का डायरेक्शन ये होगा, और इसी के क्या होता है हमारा ये एन कैप क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है। देखो इसको समझने के लिए क्या करोगे, ये जो हमारा ए और बी क्या है, एक सेम प्लेन में है, ठीक ये जो मान लो कि हमारे पास पेज है ना, इसके ये प्लेन में है, और एन कैप क्या होता है, इसके ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये दोनों वेक्टर के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और एन कैप आपका क्या होगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो एन कैप के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक तो होता है कि ये कॉपी के ऊपर हो जाए, और दूसरा क्या होता है डाउनवर्ड भी हो सकता है, इस कॉपी के नीचे भी जा सकता है। तो जब ये नीचे जाता है, ये डायरेक्शन ऐसे भी जा सकता है डाउनवर्ड टू कॉपी, तो ये हो जाता है माइनस एन कैप होगा। तो बट ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अपर डायरेक्शन में होगा कि ये लोअर डायरेक्शन ऑफ कॉपी होगा, तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए करते क्या है ना कि देखो जो वेक्टर ए हमारा गिवन है, तो इसमें हम क्या राइट हैंड थंब रूल लेते हैं, जैसे इस पे हम राइट हैंड थंब रूल लिए, ऐसे लेके इसको क्या करेंगे, ऐसे हम फोल्ड करते चले जाते हैं। ठीक, तो जो ये थंब का डायरेक्शन होता है ना, यही हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है एन कैप को, ठीक है। और मेनली यहाँ से ऐसे समझो कि हमारा क्या है, ये वेक्टर ए है, और ये इस डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है यही क्या होता है थीटा। तो जैसे ये गए यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो इसके अपर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये एन कैप हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो, और यहाँ पे जो होता है थीटा की जो वैल्यू होती है, ये लाइज बिटवीन पाई टू, ये जीरो होता है, ये जीरो से पाई के बीच में क्या करता है आपका थीटा लाई करता है। ठीक, और यहाँ पे जो एन कैप होता है, एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर
वेक्टर परपेंडिकुलर ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ठीक है, कैसे होता है? सच दैट आपका क्या हो जाएगा, सच दैट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड आपका ये एन कैप ठीक है, एन कैप फॉर्म क्या करेंगे, फॉर्म अ राइट हैंड हैंडेड सिस्टम, राइट हैंड सिस्टम ठीक है। अब इसमें द राइट हैंड सिस्टम, और इसमें एक एक ये वर्ड और लिख लेते हैं, एक सेंटेंस और, इसमें क्या होता है, राइट हैंड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम रोटेटेड ठीक है, कहाँ से कहाँ तक रोटेट करेगा, रोटेटेड फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी ठीक, मूव्स वेक्टर ए टू वेक्टर बी मूव्स इन द डायरेक्शन, मूव्स इन द डायरेक्शन आप क्या हो जाएगा, ये एन कैप। तो हमेशा देखना ये करना क्या है कि जैसे हमको अगर ये फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, तो हमेशा ही स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले वाले वेक्टर से, फर्स्ट वेक्टर, तो इसको ये फर्स्ट वेक्टर को ठीक है ऐसे, और इसके बाद से क्या करेगा इस डायरेक्शन में ये, और जैसे यहाँ से स्टार्ट करोगे और ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रोटेट करके निकल जाएगा ठीक। तो ये इसका एन कैप क्या करेगा, डायरेक्शन किसका रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ये एन कैप ठीक। अब एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं बेटा, इसमें अगर ये हो जाए आपका इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो वेक्टर आर वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर ठीक, या तो ये जीरो हो जाए आर ये जीरो, दोनों में से अगर कोई भी जीरो हो जाएगा, देन यहाँ पे थीटा इज क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, थीटा नॉट डिफाइंड होगा ठीक है, और इन दिस केस क्या हमको मिल जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी ठीक। अब चलो, अब हमने क्या देख लिया, इसका ये डिफिनेशन सीखा, अब इसके बाद से हम इसके ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इसके ऑब्जर्वेशंस की ओके। चलो अब स्टेप बाय स्टेप हम इसका क्या सीख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन, चलो ऑब्जर्वेशंस। अब इसके हम ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, तो चलो इसमें हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि इसमें होता क्या बेटा। तो इसमें होगा जो हमारा ये मिला ना ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, इज अ वेक्टर, ये क्या होगा आपका, वेक्टर होगा। कैसे होगा इसको समझने के लिए देखो, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आती है आपका, मॉड ए मॉड बी, और ये आता है साइन थीटा इंटू एन कैप, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड, और एन कैप आपका क्या करेगा, डायरेक्शन, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर देगा, डायरेक्शन। और हमको पता है कि वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ठीक, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ठीक। तो इसका मतलब आपका ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इज अ वेक्टर क्वांटिटी ठीक। अब एक बात और देख लो ठीक, अब यहाँ से सेकेंड केस ठीक, अगर आपका इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये दोनों कौन से वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर, और इसके बाद भी देन अगर आपका ए क्रॉस बी क्या आ जाए आपका, जीरो वेक्टर, तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे केस क्या होगा कि वेक्टर ए
एंड वेक्टर बी आर क्या हो जाए, पैरेलल। ठीक, पैरेलल आर फिर क्या हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, आर आपका कोलीनियर, आर क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के कोलीनियर हो जाएंगे, कोलीनियर टू ईच अदर। ठीक, दैट इज, ये आपका क्या केस बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो बोथ साइज इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, देखो पहला केस हम क्या पढ़े थे, अभी देखे थे कि अगर ए या बी दोनों में से कोई जीरो हो जाए तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन अगर आपका क्या हो जाए, बट अगर आपका ये दोनों ही क्या है, जीरो वेक्टर नहीं है, देन इस केस में क्या होगा आपका, ये कब होगा, जब ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हो जाए या कोलिनियर, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, ओके, अब इसके बाद से हम इसके कुछ इन पर्टिकुलर हम ये भी लिख सकते हैं, इन पर्टिकुलर। ठीक है, इन पर्टिकुलर आपका ये भी हो जाएगा कि ए क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। ठीक, ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, ठीक है ना, ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। एंड एंड ए क्रॉस माइनस ए इक्वल टू जीरो, इन दोनों केसेस में वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यों, ए क्रॉस ए करोगे तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो ये दोनों केस में भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके, तो जीरो। थर्ड केस हम देखते हैं, अब थर्ड देख लो, थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड केस, अब यहाँ पे इफ थीटा इक्वल टू क्या आ जाए आपका, पाई बाई टू, देन आपका ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाता है मॉड ए और मॉड बी, जब ए क्रॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाए आपका 90 डिग्री। तो इस केस में आपका होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा कि इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। ओके, अब चलो इसके बाद से अपन बात करेंगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन की, इसके बाद से हम बात किसकी करेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन की। अब देखो फोर्थ में क्या होता है ना कि, अब लिखो फॉर फॉर यूनिट वेक्टर्स, फॉर यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब किसके लिए हमको देखना है क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप, और ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली, ये आपका आई कैप रिप्रेजेंट करता है, ये जे कैप, और ये क्या होता है, ये के कैप होते हैं, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये क्या होते हैं आपके, म्यूचुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये होते हैं आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर आपसे यहाँ पे ये कहा जाए आई क्रॉस आई, तो अभी हमने देखा था क्या, ए क्रॉस ए, इसकी वैल्यू क्या आई थी, जीरो। रीज़न क्या था, इसके बीच का एंगल क्या है, जीरो। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू आपका के क्रॉस के इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। ठीक, इसकी वैल्यू ये हमारा जीरो वेक्टर। ओके, तो ये था हमारा आई क्रॉस आई के केस में। अगर हम ये ले लें तो आई क्रॉस जे, जब आप आई क्रॉस जे लोगे तो ये क्या हो जाएगा, के कैप। आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप, कैसे आता है कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप कैसे आता है, इसको हम देख लेते हैं। ये आई क्रॉस जे कैप, तो ये मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे,
और आपका ये साइन थीटा और इनटू, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एन कैप की जगह यहाँ पे क्या है, के कैप। देखो यही वाला आई जे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई जे और ये क्या हो जाएगा, के कैप। वैल्यू पुट करो, ये तीनों कौन से वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन, दिस वन इज आल्सो वन, और साइन थीटा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 90 इंटू वन कैप, तो वन, साइन 90 की वैल्यू वन, तो वन इंटू के कैप, दैट मीन्स ये के कैप। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि आई क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। ठीक, अब सिमिलरली अब क्या लिख लोगे, सेम ऐसे ही जे क्रॉस के कैप, देखो जे क्रॉस के, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आई कैप, एंड अब देखो के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जे कैप। ठीक है, ये देखो ये वैल्यूज मिल गई, जे क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, और ये तीन वैल्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद कर लेना है। और देखो इसको याद करने का ये रूल होता है, ठीक, ये टेक्निक होती है। सपोज हम यहाँ पे ले लें आई कैप और ये ले लें जे कैप और ये क्या ले लिए, के कैप, तो ये ऐसे डायरेक्शन ले लो। तो देखो यहाँ से करोगे आई क्रॉस जे, तो हमको क्या मिलेगा, के। अगर हम जे क्रॉस के कर लें तो हमको क्या मिलेगा, आई। ठीक, ऐसे ही अगर हम ये के क्रॉस आई करें तो हमको क्या मिल जाएगा, जे। ये डायरेक्शन हमेशा याद रखना कि आई क्रॉस जे इक्वल टू तो के, जे क्रॉस के इक्वल टू तो आई, के क्रॉस आई इक्वल टू तो जे। ठीक, तो ये हमारा रूल हो गया। ठीक, अब इसके बाद से फिफ्थ, अब किसकी बात करेंगे, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की। ठीक, अब देखो तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, आप लिख लो इन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, एंगल एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद लर्न रखना है। इसके बाद से इसकी सिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज़, राइट डाउन कर लो, इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू दैट वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज ऑलवेज ट्रू दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज क्या, नॉट कम्यूटेटिव, ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव नहीं होता है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, कम्यूटेटिव होता था। दैट मीन्स ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आपका नहीं होता है। तो ये होता क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ये हो जाता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो हमेशा याद रखना है कि इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, बट डॉट क्या था वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट इज क्या होता है, कम्यूटेटिव। दोनों में ये फ़र्क समझ में आना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट नॉट कम्यूटेटिव होता है और डॉट प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो देखो इसको देखने के लिए करेंगे क्या कि हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिए। ठीक, ये हम कंसीडर कर लिए एक ट्रायंगल ए बी और क्या ले लिए
ट्रेंगल सी। ठीक, तो ये रहा हमारा ए बी, इसके थ्रू वेक्टर बी, और ये क्या माना कि वेक्टर क्या है आपका ए, और इसके बीच का एंगल क्या है आपका, ये थीटा डिग्री है। देन अब लिख लो यहाँ पे कि इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो एडजेसेंट साइड, ये वाली साइड और इससे लगी हुई, दोनों को ये कौन सी साइड बोलते हो, ये एडजेसेंट साइड होगी। अगर आप ये भी क्या हो, अगर ये हम लेते हैं तो दिस वन एंड दिस वन इज आल्सो क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड। तो हमने दो एडजेसेंट साइड ले लिया, ठीक है, ए सी और क्या ले लिया, ए बी, ठीक, ऑफ अ ट्रायंगल। देन अब देन इट्स एरिया, देन इट्स एरिया इज क्या हो जाएगा, गिवन एज, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा वन अपॉन टू मॉड ऑफ क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी। तो ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, एरिया का, एरिया का फार्मूला क्या आ गया आपका, ठीक, वन बाई टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ओके, अब चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बात किसकी करेंगे और हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। ठीक, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए भी सबसे पहले अपन करेंगे क्या कि हम एक ये पैरेललोग्राम बना लिए, ठीक, एक पैरेललोग्राम ले लिए ए बी सी और डी। ठीक, अगर ये आपका ये रिप्रेजेंट करे वेक्टर ए को, और ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी को, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक, अब इसको राइट डाउन कर लो कि इफ़ क्या हो जाए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट सेम वही कंडीशन, रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन इट्स एरिया इज, देन इट्स एरिया इज गिवन बाय। तो इस केस में आपका एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, किसका एरिया, एरिया ऑफ आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या हो गया, इसकी दो एडजेसेंट साइड दिस वन एंड दिस वन इज ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको लिख डालो, ठीक, प्रॉपर्टी, ठीक, ये प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर एनी थ्री वेक्टर्स, ठीक, आर एनी थ्री वेक्टर्स एंड लेमडा बी अ स्केलर, देन आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, ठीक है, इसका फर्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस सी। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, लेमडा, और ये आपका हो जाए ए क्रॉस बी इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं, लेमडा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस आपका क्या हो जाता है, लेमडा बी।
इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये हो जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट किस पे? ओवर एडिशन। ठीक, चलो तो ये आपकी क्या हो गई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? इसका डिस्ट्रीब्यूशन ला इस क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ओके, अब हम बात किसकी करेंगे? अब बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक, अब वेक्टर प्रोडक्ट हम किस फॉर्म में सीखेंगे? कंपोनेंट फॉर्म में। तो इसके लिए अपन करेंगे क्या कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, बी टू वेक्टर्स गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म एज। ठीक, एज ये हो वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ठीक, देन यहाँ पे आपका ए क्रॉस बी इक्वल टू इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इन कंपोनेंट फॉर्म? ये हो जाता है आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, और इनके कंपोनेंट को लिखते चले जाओ ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। ठीक, तो अगर आपसे कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर का ये क्या पूछ दे, टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, जैसे ये वेक्टर दिया रहा है ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू बी वन आई कैप बी टू जे कैप और बी थ्री के कैप, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई कैप जे कैप के कैप और इनके कंपोनेंट ए वन ए टू ए थ्री ए वन ए टू ए थ्री देन बी वन बी टू बी थ्री। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 10.4 से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम बात किसकी करेंगे? एक्सरसाइज 10.4 की। ओके, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब दिल खोल के मन लगा के पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स।